सो हेलो, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ व्हाट्सएप पे दोस्तों जो है ब्लू टिक को हाइड कैसे किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, ये मेरा एक फ्रेंड है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हमने जो भी अपना इमेज या दोस्तों हेलो या SMS जो भी भेजा है उसने जैसे ही रीड कर लिया, यहाँ पर दोस्तों जो है ब्लू टिक हमारा शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों उसने देख लिया है। ठीक है, अब मान लिया दोस्तों जैसे हमको कोई SMS करे और मैं उसका SMS रीड कर लूँ यानी पढ़ लूँ, ठीक है, या देख लूँ, ठीक है, तो दोस्तों उसको ब्लूटूथ वहाँ पे शो ना हो। ठीक है, अब मान लिया दोस्तों जैसे उसने हमें हेलो भेजा है और हमने जो है रीड कर लिया है, यानी दोस्तों इस तरह से जो है ब्लू टिक उसे शो ना हो। ठीक है, अगर दोस्तों इस ब्लू टिक को आप हाइड करना चाहते हैं तो दोस्तों बड़ी ही आसान तरीके से हाइड कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपको कोई भी SMS भेजेगा और आप दोस्तों उसका SMS जो है पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, लेकिन दोस्तों उसको पता नहीं चलेगा कि आपने जो है उसका SMS पढ़ लिया है या देखा है या अभी नहीं देखा है। तो दोस्तों इस ब्लू टिक को कैसे हाइड किया जाता है, चलिए सीख लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अपना व्हाट्सएप इस तरह से ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये रीड रिसेप्ट का ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा इनेबल रहता है इस तरह से, यानी दोस्तों ये इनेबल रहता है भी ब्लूटूथ हमारा शो होता है। आपको दोस्तों सिंपली ये बंद कर देना है इस तरह से। अब दोस्तों जैसे इसे डिसेबल कर देंगे तब दोस्तों आपको जैसे कोई SMS भेजेगा और आप जो है SMS को रीड कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन दोस्तों उधर जो है ब्लूटूथ नहीं शो होगा, उसे दोस्तों नहीं पता लगेगा कि आपने जो है उसका SMS पढ़ लिया है। ठीक है।